नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पार्ट टू में। आप सब लोगों ने बहुत टाइम तक वेट किया कि सर सितंबर 200 एमसीक्यू पार्ट टू कब आएगा। कुछ कारणों की वजह से हम पार्ट टू वीडियो नहीं ला पा रहे थे, पर हम आज पार्ट टू वीडियो को लेकर आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी करीब 50 के लोग देख रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो इसको ज़रा एक बार हम जो हम चाहते हैं कि करीब 500 से 1000 बच्चे हमारे शो के अंदर आएँ, ताकि हम जो मेहनत करते हैं रात भर जग के क्वेश्चन बनाते हैं वो सब तक पहुँचें। तो मैं चाहूँगा आप 50 लोगों से कि आप अगर आप सबने 5 को भी शेयर किया तो हम 500 तो पहुँच ही जाएंगे। तो ज़रा एक बार सब लोग अच्छे से शेयर कर दो, क्योंकि अगर मैं शुरू करूँगा फिर बीच में आपसे शेयर करने को नहीं भूलूँगा। तो आप सबका दोस्तों स्वागत है फिर से, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि दबा के आप लोग शेयर कीजिए सबके सब। अमित कुमार जी, किरण कुमार जी, अनुराग कुमार, संतोष कुमार हांडा, लगातार शेयर करो। जॉय घोषाल, बैच आज पोस्टपोन हुआ है, बैच आपका कल से आने वाला है। हाँ बिल्कुल अमित कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी साथियों से अनुरोध है लगातार शेयर करें। संगीता, कल से बैच आ रहा है मेरा, तो आज नहीं दिखेगा आपको, कल दिख जाएगा। ठीक है सर, एक बार आप लोग कमेंट कर दो, शेयर कर दिया, बिकॉज इंपॉर्टेंट है शेयर करना सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको आज के पहले सवाल पर। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, हम तैयार हैं। तो ये रहा अब आपके सामने हमारा आज का पहला सवाल। ये 1 करोड़ का तो नहीं है, पर ये सवाल एग्ज़ाम में आपके आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। सवाल पहला है, सुपर 30 के संस्थापक को अमेरिका में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। द फाउंडर ऑफ सुपर 30 हैज़ बिन अवार्डेड विथ द एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड। आपको बताना है उनका नाम दोस्तों यहाँ पर क्या है। तो उनका नाम जो है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्त, का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है आनंद कुमार। इनके ऊपर मूवी भी आई थी, उस मूवी का नाम था सुपर 30। मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन ने उसमें रोल प्ले किया था, वो यहाँ पर सही जवाब है। रोहित कुमार जी, परेशान ना हो, अगर समय अभी ख़राब है तो समय की खासियत है, समय अच्छा ख़राब होता रहता है, तो अगर ख़राब है तो समय अच्छा भी आपका आएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस परियोजना के लिए इसरो ने DRDO के साथ हाथ मिलाया है? फॉर विच प्रोजेक्ट इसरो हैज़ जॉइंट हैंड्स विद DRDO। इनमें से वो कौन सा आपका दोस्तों प्रोजेक्ट है जिसका नाम आपको बताना है? तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो आ जाएगा, वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका गगनयान। दोस्तों गगनयान जो प्रोजेक्ट है, ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, जहाँ पर पहली बार भारत अपने लोग को भेजेगा अंतरिक्ष में। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, और 2022 में करीब 3 से 7 एस्ट्रोनॉट्स को वो अंतरिक्ष में भेजेगा। अगर हम गगनयान की बात करें तो इसके लिए इंडिया ने रशिया और जर्मनी जैसे और यूएस जैसे देशों के साथ अग्रीमेंट किया है। स्पेशली रशिया जो है वो हेल्प करेगा इंडियंस को समझने के लिए कि कैसे अंतरिक्ष में ट्रैवल किया जाए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट आपका हेडलाइन है। दोस्तों अगर हम बात करें DRDO की, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी इसके दोस्तों चेयरमैन हैं। वहीं अगर हम बात करें इसरो की, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके चेयरमैन है के सिवान। के सिवान को हाल ही में एक बड़ा सम्मान मिला है, आपको बताना उनको हाल ही में कौन सा बड़ा सम्मान मिला। फटाफट ज़रा मेरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एक सम्मान है जो उनको दोस्तों मिला है। मैं चाहूँगा जल्दी से इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कर दो, ताकि मैं समझ पाऊँ। बिल्कुल सही जयिता, रॉस कॉस्मॉस जो है वो उस योजना का नाम, वो उस एजेंसी का नाम है जिसके तहत इनको ट्रेन किया जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले प्रश्न पर, अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। ग्रेटा थनबर्ग ने वॉशिंगटन DC में 2019 एमनेस्टी के एम्बेसडर्स ऑफ कॉन्शियस पुरस्कार जीता है, इनमें से ये कौन है? ग्रेटा थनबर्ग हैज़ वन 2019 एमनेस्टीज एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड, ये इनमें से दोस्तों कौन है? इनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इनका नाम जो है, ये हैं दोस्तों आपकी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, ये 18 वर्ष से भी कम की हैं, एक स्कूल गोइंग लड़की हैं, और इन्होंने बहुत ही एक बड़ी स्पीच दी थी जिसको लेकर ये काफ़ी फेमस हो गई थी। स्पीच का जो टैगलाइन था वो था हाउ डेयर यू, एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ही कम हैं आज, और मैं चाहूँगा ज़रा दबा के शेयर करो, इससे बड़ा वीडियो चैनल पर नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा आप सबको ज़रा एक बार शेयर करना स्टार्ट करो, बिकॉज 100 ही लोग सिर्फ देख रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप नहीं शेयर करोगे तो नुकसान आपका ही है। तो जल्दी से दबा के आप लोग वीडियो को शेयर करो, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों वीडियो जो है वो पहुंच सके। ये मेरी आप सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट भी है और कामना भी है कि आप सब ऐसा काम यहाँ पर करोगे, सब लोग शेयर करो। हाँ, और दोस्तों ये जो हैं,
ये आपकी ये बिलोंग करती हैं दोस्तों स्वीडन से, और इनको हाल ही में राइट टू लाइवलीहुड प्राइज़ भी आपका मिला है। तो कई सारे प्राइज़ इनको दोस्तों जो हैं वो मिल चुके हैं। आगे बढ़ें भाई, अभी 100 ही लोग देख रहे हैं, लगता है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करना स्टार्ट करो दबा के। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। भरोसा एक बचत खाता द्वारा शुरू किया गया था, इनमें से कौन सा वो बैंक है या कौन सा वो पेमेंट बैंक है जिसने भरोसा एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है। तो इसका नाम दोस्तों जो है, इसका नाम है ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। जो लोग नहीं जानते, भारत का ये पहला आपका पेमेंट बैंक है और इसने ही शुरू किया है भरोसा एक सेविंग्स अकाउंट। अगर आपको नहीं पता है सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हो, एक लिमिट तक आपको पैसे मेंटेन करने होते हैं, उसे कहते हैं हम एवरेज मंथली बैलेंस, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। सेविंग्स अकाउंट में विड्रॉल का और निकासी का भी एक बाउंडेशन होता है, और ये जनरली एक आम आदमी के लिए ओपन किया जाता है। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल इस समय है दोस्तों, वो है आपका प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट या फिर BSPDA, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है, जो शून्य बैलेंस पर या ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, का नाम है KUSH कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा शो के बाद। पर भाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, 100 बच्चे देख रहे हैं। अगर आप सही में चाहते हो इस शो को हम कंटिन्यू रखें, तो आपको इस शो के अंदर 500 बच्चे तो लेकर ही आने हैं। चलिए ले चलते हैं आपको हमारा नेक्स्ट सवाल पर। एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, विश्वजीत सर आपने बैंकिंग बाइट्स कोर्स, वो कोर्स नहीं था बेटा, वो एक वीडियो था 2 मिनट का, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने बंद कर दिया। रिस्पॉन्स आप नहीं दोगे तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट के 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की ताकत अब कितनी है? आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस, व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये इसका जवाब आपको देना है। इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है, इसका आंसर जो आपके सामने है वो है ऑप्शन सी, जो कि है 34। ओवरऑल आपके 34 हैं, इनमें आपके इनके अलावा जो होंगे वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में कहा गया था, रिपोर्ट क्या, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो रंजन गोगोई हैं वो रिप्लेस होने वाले हैं। आपको बताना है कि अब नए वर्तमान में नए दोस्तों कौन बने हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम आप बताना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, 18 नवंबर को वो दोस्तों पद को संभालेंगे, जब एक तरह से रिटायर होंगे रंजन गोगोई साहब। तो आपको बताना है कि उनका अब नाम क्या है। बहुत बढ़िया मंगेश कुमार, 33+1, बहुत सही, 34 ओवर स्ट्रेंथ होती है, जिसमें 33 आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं जजेस, और एक जो होता है वो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरा प्लस में कोर्स अभी नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज अभी यहाँ लाइव नहीं हुआ है, लाइव आपका आज शाम तक या रात तक हो जाएगा, कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। योगेश कुमार जी नाम पूरा लीजिएगा, देखो मतलब ये अच्छी बात नहीं है, मैं अगर आपका नाम, मेरा कोई बोले अभय पांडे तो कैसे लगेगा आपको, तो पूरा नाम बताइए सर। चीफ जस्टिस बोबडे, चीफ जस्टिस एस अरविंद बोबडे, बहुत बढ़िया प्रियरंजन, वो बने हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों ना, आराम से चलेंगे ताकि वन बाय वन आपको आंसर्स आते जाएं। बस आपको दोस्तों आज इस शो को ऐतिहासिक बनाना है, आज 1000 बच्चे लाकर आपको दिखाना है, 120 बच्चे हो गए हैं, लबा के शेयर करो और इसको 1000 बच्चों तक दोस्तों पहुंचाओ। सबको ये बताओ कि एक शो आ रहा है आज जिसमें 100 MCQ कराऊँगा, और ऑलरेडी इससे पहले 100 MCQ करा चुका हूँ। तो भैया सबका यह जिम्मा है कि आज 500 पहुँचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भैया छुट्टे लगान, आज 500 पहुँचेगा ही। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने। सवाल है, कैबिनेट ने गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिनों की मजदूरी के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डेज वेजेस टू नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़? कितने दिन तक का उनको ये पेमेंट दोस्तों यहाँ पर मिलेगा? तो उसका आंसर है, आपको छुप रहा होगा, उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि है आपका 78 डेज। 78 डेज का उन्हें भुगतान मिलेगा, एक तरह से इसे आप दिवाली का धमाका कह सकते हैं। मैं चाहूँगा भैया अगर पानी का बोतल मिल पाए तो बढ़िया रहेगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर, 78 डेज का उन्हें भुगतान यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँ, पूछना चाहूँगा आपसे, अभी हाल ही में
अभी हाल ही में डीए और डीआर भी आपका चेंज हुआ है। मेरे को कौन बताएगा डीए डीआर अभी कितना है, हाउ मच डीए डीआर अभी आपका दिया जा रहा है, ये मेरे को कौन बताएगा? जल्दी बताइए कितना परसेंटेज आपका ये हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। श्री अमित शाह ने निम्न में से कहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की है? श्री अमित शाह विल चेयर द 29th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न काउंसिल एट। कहाँ पर ये मीटिंग दोस्तों आपकी होगी या हो चुकी है? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपकी काउंसिल मीटिंग होगी, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। कुल मिलाकर दोस्तों जितनी भी आपकी जोनल काउंसिल मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता जो गृह मंत्री होते हैं वही करते हैं। तो इस समय जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कौन हैं? वो अमित शाह साहब हैं। एक सवाल दोस्तों आपका मेरे यहाँ पर ये भी है कि अमित शाह साहब जो हैं इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है, व्हाट इज़ दी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा क्षेत्र। बहुत बढ़िया, 17% हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 17% हो गया है, बहुत बढ़िया। जो रेंज है वो है आपकी 12 to 17। तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है गांधीनगर। इससे पहले दोस्तों वो सांसद थे, उस जगह सांसद थे आपके लालकृष्ण आडवाणी, और अभी जो सांसद वहाँ पर दोस्तों हैं उनका नाम दोस्तों जो है वो है आपका श्री अमित शाह। 122 लोग दोस्तों हो गए, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ये तो प्लीज़ अभी जल्दी जल्दी इस वीडियो को जितना चाहे हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सुरेश सेठी इनमें से क्या हैं? सुरेश सेठी इनमें से दोस्तों क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एक्सिस बैंक के सीईओ, आईपीपीबी के एमडी सीईओ, या फिर दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। सुरेश सेठी दोस्तों जो हैं वो है इस समय जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो इंडिया पोस्ट का एक पेमेंट बैंक है उसके दोस्तों ये एमडी सीईओ के तौर पर आपके एमडी सीईओ हैं। इनका नाम है सुरेश सेठी। यहीं पर अगर मैं इसको काट दूं और यहां पर लिखूं सुरेश चितूरी तो ये कौन है? तो सुरेश चितूरी की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल एग कमीशन है उसके ये एमडी सीईओ, चितूरी अगर बात करें तो इसके एमडी सीईओ हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने। 18 सितंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 18th सितंबर? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। 18 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन ए, जो कि है विश्व बांस दिवस। ये दिन आपका हर साल 18 सितंबर मनाया जाता है। एक बात यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि 18 सितंबर को जो आपका बैम्बू है इसको लेकर सरकार भी बहुत क्लियर है। सरकार ने इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम है नेशनल बैम्बू मिशन, वो इसका दोस्तों नाम है। और ये मिशन में करीब 1290 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंसर करने में ढिलाई मत करो, आंसर दबा के करते रहो। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस देश ने चोरी की 12वीं सदी की बुद्धि की मूर्ति को 57 साल बाद वापस किया है? इनमें से वो कौन सा देश है जिसने रिटर्न किया है 12वीं सदी का चोरी किया हुआ बुद्धिस्ट का एक मूर्ति? चेकोस्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, या फिर आपका यूगोस्लाविया? तो इस देश का नाम दोस्तों जो है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। इस देश ने दोस्तों यहाँ पर ये कारनामा जो है वो किया है। अगर हम दोस्तों यूके की बात करें तो यूके पिछले कुछ समय से न्यूज़ में है, उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण दोस्तों जो है वो है ब्रेग्ज़िट। 31 अक्टूबर को आपका ब्रेग्ज़िट डील साइन होने की पूरी संभावना है, चाहे सरकार रहे या ना रहे, नंबर वन। नंबर टू, यूनाइटेड किंगडम में बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। उनकी ही मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल जो हैं वो बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर, दोस्तों वो आपकी काबिज हैं, वो न्यूज़ में हैं। ऋषि सुनाक जो दामाद हैं आपके दामाद हैं नारायण मूर्ति के, वो हैं, और साथ में आलोक शर्मा हैं, वो भी इसी के मेंबर हैं, तो उस वजह से भी आपका वो न्यूज़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारा नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल है,
वयोवृद्ध पत्रकार अजय सिंह का निधन का इनमें से नियुक्ति किस पद पर हुई है? वेटरनरी जर्नलिस्ट अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ, किस पद पर दोस्तों उनकी जो है वो नियुक्ति हुई है, सवाल मेरा आपसे है। तो दोस्तों इस समय बात करें तो वो बने हैं द प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो सचिव हैं, प्रेस सचिव, वो कौन हैं दोस्तों आपके, वो जो आपके हैं वो यहाँ पर आपके सामने, उनका नाम दोस्तों जो है वो है अजय सिंह। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। मयंक वैद का संबंध इनमें से किससे है, इनमें से किससे संबंध है दोस्तों मयंक वैद का, और इनका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी जो कि ट्रायथलन। मयंक वैद की अगर हम बात करें, सितंबर में एक होता है आपका एंड्योरा मैन चैम्पियनशिप जो कि दुनिया की सबसे कठिन एंड्योरेंस चैम्पियनशिप है, उसको जीतने वाले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ये पहले भारतीय हैं। इनसे पहले एक और सीरीज़ थी, इसका नाम था आयरन मैन, जिसमें मिलन सोमन जैसे बड़े एक्टर्स गए हुए थे, उससे भी डिफ़िकल्ट आपकी होती है एंड्योरा मैन, उसको जीता है दोस्तों मयंक वैद ने, इस वजह से मैंने इनका नाम यहाँ पर आपको लिखा दिया है। मैं एक बार कमेंट सेक्शन में देख लूँ कैसे कमेंट आ रहे हैं, और दोस्तों 150 लोग देख रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों, इस चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और अगर सिर्फ 150 लोग देखेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप 150 लोगों ने भी इस वीडियो को शेयर किया आपने सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वीडियो अपने आप ट्रेंडिंग कर जाएगा, तो जल्दी से दबा के वीडियो को 500 के पार पहुँचाइए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। सवाल है, मैं इसको छोटा कर दूं, सवाल है उत्तराखंड के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र का नाम बताइए जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम आपको बताना है। द डॉक्यूमेंट्री फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, नेम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उस फिल्म का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो उसका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी जो कि है आपका मोती बाग। उत्तराखंड की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड में की दो वजह हैं न्यूज़ में होने की, पहली वजह है यहाँ के गवर्नर कौन है उनका नाम बताना है आपको, सेकेंड उत्तराखंड के अंदर एक जगह जगह का नाम है दोस्तों पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में होने वाला है आपका, अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है काजिंद 2019 जो कि कजाकिस्तान और इंडिया का एक सैनिक अभ्यास है। अगर हम गवर्नर की बात करें उत्तराखंड की, तो गवर्नर वहाँ के जो हैं उनका नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्या, वो गवर्नर वहाँ पर आपकी बनी है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक इनमें से किसे बनाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री डिप्लोमैट, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम यहाँ पर दोस्त जो है वो है ऑप्शन बी जो कि है अंजलि सिंह। अंजलि सिंह बनी है डिफेंस या मिलिट्री डिप्लोमैट, कहाँ पर, रशिया के मॉस्को शहर में, मतलब जो डिफेंस के मामले हैं रशिया और इंडिया के बीच, वहाँ जो एक मिडल मैन है, वहाँ जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक हमारा प्रतिनिधि है, उनका नाम क्या है, उनका नाम दोस्तों जो है वो है अंजलि सिंह। दोस्तों मुझे आंसर्स बहुत धीरे धीरे आपके आ रहे हैं, लगता है आप लोगों को आंसर नहीं पता, अगर पता है तो बिना देरी किए आंसर करें, 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकेंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, इसी सवाल मैंने कई बार डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। सवाल है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन इज़ लॉन्च्ड बाय जयराम ठाकुर, ही इज़ अ, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हाई हेल्पलाइन को शुरू किया गया है जयराम ठाकुर जी द्वारा, ये इनमें से दोस्तों क्या हैं। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो ये फ़िलहाल CM है हिमाचल के, ये जो नंबर है दोस्तों इस नंबर पे 1100 आपको मिलाना है, और जो CMO है, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, वो हेल्प करेगा आपके कई मामलों में, उसको हिमाचल के अंदर ही दोस्तों हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अच्छा अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर भी बने हैं, तो मेरे को आप बताओ कि महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये अभी हाल ही बने हैं, इनका नाम क्या है, मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड, इनका नाम जो है वो है भगत सिंह कोशियारी, वो बने हैं महाराष्ट्र के नए गवर्नर, इस वजह से भी ये ऑप्शन ए जो है हमने आपको, गवर्नर है ये हमने आपको ऑप्शन में दिया था। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज़ बता दो मेरे को, प्लीज़ कमेंट करिएगा,
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो हम आज आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट पे। 170 लोग देखे दोस्तों, लगता है कछुआ चाल है भाई, शेयर कर दो एक बार। आज 500 चाहिए हमें, दबा के शेयर करो वीडियो को, इंपॉर्टेंट है वीडियो ये। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। सवाल सिंपल है, पीएम हसीना इनको हाल ही में इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 4 सम्मान दिए गए हैं और यहाँ आंसर है आपका ऑप्शन डी जो कि है कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। इस सम्मान से पीएम हसीना को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें वैक्सीन हीरो के लिए भी दोस्तों सम्मानित किया गया है और ये बांग्लादेश की ही आपकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है आपका शेख हसीना। नेक्स्ट सवाल पे आए, सबसे पहले समझो ध्यान से, यहाँ पर ये वर्ड है दोस्तों ECGC, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब ये करता क्या है, अगर किसी एक्सपोर्टर को इंडिया से उधार के तौर पर, एडवांस के तौर पर, लोन के तौर पर पैसे चाहिए तो ये उनको सपोर्ट करता है, बिकॉज इसका एक ही मकसद है भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को बेहतर करना। उसके लिए जो क्रेडिट, उसके लिए जो लोन, उसके लिए जो एक उधार देने की बात होती है, उसको देने का जो एक अधिकार है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ ऑन ECGC। अब सवाल यहाँ पर यह है दोस्त कि ECGC ने ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्विक योजना को शुरू किया है। निर्विक का पूर्ण रूप या निर्विक का फुल फॉर्म क्या है? ECGC हैज़ लॉन्च्ड निर्विक स्कीम टू ईज द लेंडिंग प्रोसेस इन द कंट्री। व्हाट इज़ निर्विक? तो निर्विक का दोस्तों फुल फॉर्म बहुत ही आसान सा है, इसका फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। ये दोस्तों इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना या फिर निर्विक। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत के किस राज्य को वैश्विक सुलभ पर्यटन बाजार में उभरते हुए गंतव्य के रूप में विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विच स्टेट ऑफ इंडिया और विच सिटी एंड स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड स्पेशल मेंशन अवार्ड एज एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल एक्सेसिबल टूरिज्म मार्केट। उस शहर का नाम बताना है और साथ ही में उस राज्य का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ पर शहर का दोस्तों नाम जो है वो है आपका थ्रिसूर और जो आपका स्टेट है उसका नाम दोस्तों क्या है, उसका नाम है आपका केरल। अगर हम दोस्तों केरल की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछूंगा मैं 2 सवाल। सबसे पहले केरल के गवर्नर कौन है, ये पहला सवाल मेरा आपसे है। और अभी हाल ही में दोस्तों एक रैंकिंग में इसकी आई है नंबर 1 रैंक, उस रैंकिंग को किसने इशू किया था, इसका जवाब आपको देना है। तो सेकंड का आंसर तो क्लियर है, नीति आयोग की रैंकिंग है दोस्तों, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जिस रैंकिंग में आपका जो केरला है वो नंबर 1 पे आया है, ये पहला चीज़। सेकेंड चीज़, उस इंडेक्स का नाम है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। और आखिरी सवाल दोस्तों मेरा आपसे है कि ये जो गवर्नर हैं इनका नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों है मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट सवाल पे आए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस साल विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ 2019? इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट या फिर आपका कंट्रीब्यूशन? क्या है दोस्तों इस बार थीम आपका इसका? दोस्तों 170 लोग देख रहे हैं, मैं शो बंद कर दूं क्या? मुझे लग रहा है बिकॉज इससे अच्छा है कि मैं शो को पेड कर देता हूं दोस्तों, बिकॉज आप लोग वैसे तो शेयर करना नहीं है, तो ऐसा करता हूं इसको अगली बार से मैं, जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं ना, मैं भी इसको पेड ही कर दूंगा, बिकॉज तब आपको इस आज के शो की वैल्यू मान चलेगी। कर दूं क्या सर, एक बार लिखिएगा जल्दी से, बिकॉज मैं चाहता हूं ये लिखना, बिकॉज आपको फ्री में जब कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। आप लोग ये नहीं जान पा रहे हो कि शो को अगर जो नहीं देखेगा या अपने दोस्तों को आप नहीं दिखाओगे तो उनका कितना नुकसान होने वाला है। तो मैं कर दूंगा अगली बार से, ये मैं, मुझे लग रहा है, फीलिंग भी जा रही है एक हफ्ते से कि जब भी कोई अच्छा शो लाओ जिसमें कि नॉलेज शेयर किया जाए तो आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो शो को नहीं देखते हैं, तो ये बड़ा दिल को बुरा भी लगता है सर, कई बार बुरा लगता है सर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा आपके सामने इसका आंसर जो आपके सामने है वो है ऑप्शन बी जो कि है पार्टिसिपेशन। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है,
24 किलो वॉट का दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इनमें से कहां पर किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द 24 किलो वॉट दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। इसका नाम दोस्तों यहां पर क्या है? तो इसका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ही इसको किया गया है। दोस्तों अगर हम अरुणाचल की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रदेश है, इस वजह से बिकॉज यहाँ के जो CM हैं वो भी काफ़ी अनोखे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बाइक राइड की थी जहाँ पर उन्होंने खुद बाइक को राइड किया था और करीब 122 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था अरुणाचल का उस एरिया का, उसको उन्होंने दिखाया था कितना सुंदर है। तो आपको बताना है उन 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 चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो उनका दोस्तों जो नाम है वो है श्रीमान पेमा खांडू, उन्होंने एक तरह से वो ड्राइव करके दिखाया था। नेक्स्ट सवाल पे आएँ, ये रहा आपके सामने हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बहुत ही सिंपल सा है दोस्त। सवाल है, निम्न में से कौन सी 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में एकमात्र भारतीय फिल्म है? Which of the following has become the only Indian film in the Guardian list of 100 best films of the 21st century? उस मूवी का दोस्तों नाम जो है आसान मूवी है, जिया हो बिहार के लाला, वो है ऑप्शन डी जो कि है आपका गैंग्स ऑफ वसीपुर। गैंग्स ऑफ वसीपुर को डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। इस टॉप 100 की सीरीज़ में जो नंबर 1 मूवी है उसका नाम है देयर विल बी ब्लड, जो कि 2007 की मूवी है जिसमें मेन लीड आपका जो है वो यहाँ पर वो 2007 में की बहुत ही बड़ी मूवीज़ में से आपकी एक है, जिसका जो मेन लीड है वो प्ले किया था डैनियल डे लुइस ने, जो कि बहुत ही महान एक्टर हैं आपके हॉलीवुड के। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। सवाल कुछ ऐसा है, हु विल बी ऑनर्ड विथ द 2019 एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स अवार्ड बाय एशिया सोसाइटी। एशिया सोसाइटी द्वारा 2019 तो एशिया सोसाइटी के गेम चेंजर्स अवार्ड का खिताब इनमें से किसको मिला है? सारे IPS हैं आपके और यहाँ आंसर आपके सामने जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए जो कि है IPS ऑफिसर छाया शर्मा, उनको दोस्तों ये सम्मान जो है वो आपका मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों ये है, सवाल है किस भारतीय क्रिकेटर को सोनीपत में बन रहे राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ द राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन सोनीपत। इनका नाम दोस्तों है ऑप्शन बी जो कि कपिल देव। कपिल देव की दोस्तों बात करें, इसके अलावा ये न्यूज़ में इसलिए भी हैं बिकॉज इनको हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार इनको मिला है बाय मोहन बगान। मोहन बगान टीम ने इनको ये पुरस्कार हाल ही में दोस्तों जो है वो दिया था, उस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। सवाल सिंपल सवाल है, सवाल है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुद्रा कोष योजना को शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री दल पोषित योजना, कौन सी योजना है? मैं इसको काट दूं ताकि आपको परेशान ना हो, कौन से स्टेट में दोस्तों आपका ये हुआ है? तो यहाँ आपका जो आंसर है द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन ए जो कि है उत्तराखंड। इस योजना का मेन मकसद है जो आपकी दाल है, जो आपका पल्सेस है, उसको सस्ते दाम पर बेचना और साथ ही में जो बॉर्डर ट्रेड है दालों का उसको भी काफ़ी बेहतर करना, उस वजह से इसको उत्तराखंड में दोस्तों किया गया है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी ही उन्होंने ही इसको हाल ही में इनॉग्रेट दोस्तों आपका जो है वो किया था। सबको क्लियर है एवरीवन? अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर है, ये सवाल इस साल आ सकता है। सवाल है मेरा आपसे, टांकी नेशनल पार्क इनमें से कौन से प्रदेश में, इनमें से दोस्तों प्रदेश कौन सा है जहां पर आपका राजन पांडे मेरे भाई मेरे जिगर के छल्ले ऑलरेडी मैंने क्रॉस कर दिया ना मेरे भाई, टांकी नेशनल पार्क इनमें से कौन से आपके स्टेट में है? एनी आइडिया? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है आपका नागालैंड। नागालैंड में आपका है टांकी नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल सुनिएगा ध्यान से, सवाल है न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी का नियुक्ति इनमें से किस राज्य में हुआ है या किस पद पे हुआ है? जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये पहले लोकायुक्त हैं आंध्र प्रदेश के, इस वजह से दोस्तों ये न्यूज़ में रहते हैं। नाम क्या इनका दोस्तों? उनका नाम दोस्तों जो है वो है पी लक्ष्मण रेड्डी। एक सवाल मेरा आपसे और आएगा दोस्त, कितने परसेंट रिजर्वेशन की जॉब कही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर ने? हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन इन जॉब्स विल बी गिवन बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू, वाईएसआर वाहन मित्र के अंदर कितने अमाउंट का कवर दिया जाएगा कार ड्राइवर्स को? दो सवाल मेरे आपसे हैं। सवाल पहला है हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन विल बी गिवन इन आंध्र प्रदेश इन जॉब्स, आंसर उसका है 75%, बहुत बढ़िया। सेकेंड सवाल है आपका कि कितना कवर दिया गया है वाईएसआर वाहन मित्र योजना के अंतर्गत, उसका आंसर दोस्तों है 10,000 रुपये। थर्ड सवाल पे आते हैं, कितनी लाख जॉब्स को एक साथ दिया है आंध्र प्रदेश ने, और ऐसा करने वाला वो इंडिया का पहला राज्य है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ जॉब्स को दिया गया, या हाउ मेनी लाख जॉब्स हैव बीन गिवन बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन अ सिंगल ऑर्डर, तो उसका आंसर है 1.26 लाख जॉब्स, 1.26 लाख जॉब्स को एक साथ दोस्तों जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। सवाल कुछ ऐसा है, किस राज्य की सरकार ने मंत्रियों के आयकर का भुगतान के कानून को भंग करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप लॉ टू पे मिनिस्टर्स इनकम टैक्स, मतलब ये वो राज्य है जहाँ पर जो अब वहाँ के मिनिस्टर्स हैं या वो जो वहाँ के MLA वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं खास तौर पर वो अपना इनकम टैक्स पे करेंगे, गुजरात, आंध्रा, उत्तर प्रदेश या फिर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश? इसका आंसर जो आपके सामने है वो है ऑप्शन सी जो कि है आपका यूपी। यूपी में इसका फरमान दोस्तों यहाँ कहा गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर यूपी की बात करें, अगर हम यहाँ पर यूपी की बात करें तो यूपी में कई न्यूज़ में चीज़ें हैं, जैसे कि जो डिफेंस एक्सपो है आने वाले साल में 2020 में कहाँ होगा, वो आपका लखनऊ में होगा। पहला सवाल, पहला आंसर। सेकंड, जितनी भी आपके विक्टिम्स हैं ट्रिपल तलाक की उनको 6,000 रुपये का कवर देगा यूपी की सरकार, सेकंड। थर्ड रीज़न क्या है यूपी का न्यूज़ में होने का? एनी आइडिया क्यों यूपी न्यूज़ में इसके अलावा? एनी आइडिया जल्दी बताइएगा, क्या रीज़न है न्यूज़ में आने का अपार्ट फ्रॉम दिस? हाँ भैया, मिल्कू में प्रदेश है। चलिए 211 लोग हैं दोस्तों, 500 पहुँचाना है आपको, आज आपको कुछ भी करके 500 पहुँचाना है, दबा के शेयर करते रहो दोस्तों सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगले सवाल पर। हाँ चलते हैं हमारे आपको अगले सवाल पर। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, कौशल धर्ममेर ने हाल ही में किसको पराजित कर म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला को जीता है? इनमें से किसको हराया दोस्तों है और जीता है उन्होंने दोस्तों ये खिताब? तो इसका नाम आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी जो कि है करोनो, इनको दोस्तों उन्होंने यहाँ पर हरा कर इस खिताब को दोस्तों जो है वो जीता है। अच्छा, एक यहाँ पर सवाल आ रहा है बार बार, सवाल है प्रोजेक्ट गौशाला या प्रोजेक्ट गौशाला कौन से प्रदेश में शुरू हुआ है? ये मेरे को लोग यहाँ पर कह रहे हैं यूपी बार बार कह रहे हैं, पर मेरे को कौन बताएगा जो प्रोजेक्ट गौशाला है वो कौन से राज्य में दोस्तों आपका शुरू हुआ है? आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तराखंड, कहाँ पर आपका शुरू हुआ है प्रोजेक्ट गौशाला जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर यूपी होगा? नहीं सर, उसका आंसर यूपी नहीं होगा। आंसर क्या होगा उसका? उसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, जहां पर 15 डेज तक मिनिमम आप एक गांव गाय को गोल सकते हैं और उसको जीवन भर भी उसको आप गोल सकते हैं, इनफैक्ट उसके गौशाला बनाने के लिए आप हेल्प भी करा सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों 196 लोग फिर से हो गए, मतलब आप लोग इतने ज़िद्दी हो ना कई लोग, मतलब कई बार गुस्सा इतनी आती है कि मैं सोचता हूँ जैसे ही कोई बात करे आपसे पैसे की लगते चिल्लाने आप लोग, और जैसे ही कोई चीज़ आपको फ्री में कराया जाए उसकी आप वैल्यू नहीं करते, ये मुझे आज ये प्रूव हो रहा है देख के और ये बड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों। कई बार आप लोग अपनी मन की बात करते हो ना कमेंट सेक्शन में, मैं आज आपसे अपनी मन की बात कर रहा हूँ।
कि मतलब लिटरली कभी कभी अजीब लगता है। और ये मैं चाहूँगा आप लोग प्लीज़ इस पर फीडबैक लिखिएगा अपना, बिकॉज कंटेंट क्वालिटी में कोई ख़राबी नहीं होती, ख़राबी होती है आपके आलसपने में। बहुत शॉकिंग बात है तो आज मेरे लिए। चल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। सवाल है, बचरुद्दीन यूसुफ हबीबी का 83 वर्ष की उम्र धन हो गया, वो इनमें से दोस्तों क्या थे? ये क्या थे जिस वजह से ये न्यूज़ में थे? इनका नाम यह देखिए लिखा हुआ आपके सामने। तो इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है ये है, ये इंडोनेशिया के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका दोस्तों 83 वर्ष की उम्र में धन हो गया। अब यहाँ पर सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर दो तीन सवाल मेरा आपसे है। सवाल पहला आपसे मेरा है कि यहाँ की नई कैपिटल का नाम क्या है, पहला सवाल। सेकेंड सवाल यहाँ पर है कि यहाँ के हेड ऑफ स्टेट का नाम क्या है, और थर्ड सवाल यहाँ की दोस्तों करेंसी आपकी जो है वो क्या है? फटाफट बताना जल्दी से। अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो उसको आप बोर्नियो कह सकते हो या उसको आप कलिमांतान कह सकते हो। अगर यहाँ के हम हेड की बात करें तो उनका नाम है जोको विदोदो। और आखिरी में बचा दोस्तों आपका करेंसी, करेंसी यहाँ की क्या है? इसका जवाब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाट रूपाली जी 220 नहीं, आज हमें 1000 लोग चाहिए। अब ये आप आज आपका टेस्ट है, कितने लोग आप लेके आते हो। अगर 1000 लेके आओगे तो मान जाऊंगा मैं आज। तो दबा के शेयर करो वीडियो को। हाँ, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर जल्दी बताना, करेंसी क्या है यहाँ की, करेंसी क्या है यहाँ की दोस्तों? रूफी, रुपया, रूफिया या क्या? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है जवाब आप लोग दे रहे हैं। द करेंसी हियर इज, इट इज एनी वन करेंसी क्या है इसकी? फटाफट करेंसी क्या है यहाँ की? देखो कन्फ्यूज लोग हैं, रुपया की रुफिया भैया आप लोग सही में कंफ्यूज हो रहे हो। तो आंसर दोस्तों जो है वो है यहां पर, क्या होगा आंसर जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। राहुल ठाकुर जी मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, मेरी दो ही आंखें हैं, चार आंखें नहीं हैं। हाँ आंसर क्या, आंसर जो है दोस्तों वो है आपका रुपया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए 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 नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अब हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आपके। अच्छा उससे पहले एक बार आपको टेस्ट तो कर लूँ एक बार, इनमें से वो कौन सा राष्ट्र है जहाँ पर लोटस स्टार को बनाया गया है, जो साउथ एशिया का सबसे लंबा टार है, इनमें से वो कौन सा आपका है? उसका आंसर जो आपका सामने है दोस्तों, द आंसर इज, इट इज श्रीलंका। क्वेश्चन वन, हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन टू पे आते हैं, इनमें से वो कौन सा राष्ट्र है जिसकी करेंसी आपकी है क्यात? कौन सा राष्ट्र दोस्तों यहाँ पर, उसका आंसर क्या? उसका आंसर है आपके सामने म्यांमार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक 193 सदस्यों को सौर पैनल भेंट किया है? बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही लुल्लू सवाल है कि इनमें से किस देश ने जितने भी मेंबर्स हैं आपके यूएन के उनको ऑफर किया है सोलर पैनल्स? करीब 195 मेंबर्स हैं, उन सबको दोस्तों ये किया है। एंड इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी, जो कि है आपका इंडिया। इंडिया जो है उसने ये काम किया है। अच्छा अब यहाँ पर मेरे दो सवाल आपसे हैं, किस महान भारतीय के नाम पर एक गार्डन और एक सोलर पार्क को यूएन ने इनॉग्रेट किया है? कौन से वो महान भारतीय हैं जिनके नाम पर यूएन ने एक सोलर पार्क और एक गार्डन दोस्तों इनॉग्रेट किया है? उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उसकी घोषणा की गई है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल है, यमन के बंदरगाह शहर होदईदा में विश्व निकाय के पर्यवेक्षक मिशन के प्रमुख के रूप में इनमें से किसकी नियुक्ति हुई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बॉडीज ऑब्जर्वर मिशन इन यमन पोर्ट सिटी ऑफ होदईदा? तो इनका नाम यहाँ पर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है आपका अभिजीत गुहा। बिल्कुल सही जवाब है। यमन एक शहर है आपका, जो एक देश है आपका जो रेबेल्स से जूझ रहा है। यहाँ का जो कैपिटल है सानाआ, क्या नाम है कैपिटल का? सानाआ।
ये कैपिटल यहूदियों के जो यमन के जो रिबल्स हैं उनके कंट्रोल में है और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है आपकी यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर आपका बनेगा मेरा दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा आपका व्यक्ति है जो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम और किस स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर है। ये दो जवाब आपको मेरे को यहाँ पर दोस्तों जो हैं वो देने हैं। मात्र 214 लोग हैं दोस्तों, आज 500 करना है आपको। दबा के वीडियो को शेयर करो ताकि हम 500 लोगों तक पहुँच सकें। तो सुनिएगा सवाल, सवाल यही है मेरा आपसे कि इनमें से उन व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका नाम है दोस्तों रघुबर दास। रघुबर दास किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के? आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है आपका झारखंड। झारखंड के दोस्तों वो आपके व्यू हैं। अब अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है या फिर अनुसुईया उइके हैं? कौन है गवर्नर आपकी दोस्तों झारखंड की? इसका जवाब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बताइए कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर जो कि दोस्तों ये रहा। यूके हैज़ एक्सटेंडेड दी वर्क वीज़ा फॉर फॉरनर्स बाय हाउ मेनी ईयर्स? यूके ने विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीज़ा को कितने साल तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका दो साल। दो साल के लिए इस वीज़ा को दोस्तों जो है यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू असेंबली बिल्डिंग इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाल ही में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने जो है वो आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है आपका झारखंड। झारखंड का जो नया विधानसभा भवन है उसको दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब सवाल मेरा आपसे है, गुजरात का गरवी गुजरात भवन किस शहर में इनॉग्रेट किया गया? इसको भी मोदी जी ने किया है। सवाल बहुत सिंपल सा है कि जो गुजरात का गरवी गुजरात भवन है इसको इनॉग्रेट दोस्तों किस शहर में आपका किया गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, दिल्ली या फिर मुंबई? शॉकिंग बात है। तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है आपका दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79th मेंबर आपका दोस्तों जो है वो बन गया है? कौन सा वो देश है जो 79th मेंबर बना है आपके ISA का? तो उसका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगर हम इस देश की बात करें तो इस देश का जो कैपिटल है उसका नाम है किंग्सटाउन। ये दोस्तों से कैपिटल है और यहाँ की करेंसी दोस्तों जो है वो है आपकी ईस्ट कैरिबियन डॉलर। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनेगा एक और। अभी हाल ही में एक देश है जो जिसने पेरिस अग्रीमेंट को साइन किया है, आपको बताना है वो देश जो है उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कंट्री? तो उसका दोस्तों नाम जो है वो नाम है आपका रशिया। रशिया नहीं दोस्तों, हाल ही में इस अग्रीमेंट को साइन 230 लोग हो गए दोस्तों, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, पर 500 पहुंचाना है आपको। दबा के वीडियो को शेयर करो, 500 तक हम आज पहुँच के रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर झूठ मत बोलना, महिष्मती माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज आप सब चटियाते हो, सब आई नो विद एनी वन। सो गाइज, इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू हैव दी शोज, इस चैनल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये मेरी ज़िद है। जैसे कि आपकी ज़िद है नहीं मुझे पता नहीं, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, मुझे तो आगे बढ़ना है और वो मैं तभी बढ़ूँगा जब आप और मैं साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो भाई कर दो, एहसान कर दो, याद रखूँगा ज़िंदगी भर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी दोस्तों वो पुलिस है जिसने हाल ही में टाई अप किया है गूगल के साथ
फॉर ट्रैफिक अपडेट्स, इनमें से वो कौन सा राज्य की पुलिस है जिसने दोस्तों गूगल के साथ ही टाइप किया है, जिससे उसको टाइमली अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम यहाँ पर इसका सही जवाब है, इसने गूगल के साथ आपका दोस्तों जो है वो टाइप किया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निम्न में से कौन सी लंका ट्रेन बनाई गई है, इनमें से वो कौन सी लंका की ट्रेन है दोस्तों जिसको जो प्रोजेक्ट है आपका जिसका नाम है वो कौन सी ट्रेन है जो लंका में चलाई गई है। तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है, द आंसर इज इट इज़ पुलातिसी एक्सप्रेस। इसको इंडिया ने मिलकर बनाया है फॉर द श्रीलंकन रेलवे ट्रैक्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन से देश में SCO का सैन्य दवा सम्मेलन आपका हुआ था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द SCO मिलिट्री समिट टू प्लेस, द SCO मेडिसिनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली टू प्लेस। तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका इंडिया। इंडिया में समिट को दोस्तों आपका हुआ। अगर हम दोस्तों SCO की बात करें तो SCO जो है इसके हेडक्वार्टर आपके हैं कहाँ पर, बीजिंग में। इसमें कुल कितने मेंबर्स हैं दोस्तों आपके, ऐसे याद करोगे, ट्रक इंडो पाक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हाँ इतने मेंबर्स हैं। जहाँ पर तजिकिस्तान है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है आपका, हाँ चाइना है आपका, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, ओवरऑल आपके इतने देश आपके जो हैं वो मेंबर्स हैं। करीब 8 देश आपके जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। बिल्कुल बढ़िया, चल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। सवाल है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपनी प्रबंध समिति में इसको मैं आपको छोटा कर दूँ ताकि आपको दिख जाए, ने अपनी प्रबंध समिति में महाबलेश्वर MS को शामिल किया है, वो इनमें से किस बैंक के MD और CEO हैं। The Indian Bank Association, which was started in 1945, has inducted Mahabaleswara MS in its managing committee. He is the MD and CEO of which of the following bank? तो दोस्तों उस बैंक का नाम जो है, वो बैंक का नाम है आपका ऑप्शन सी, जो कि है द स्टेट द बैंक ऑफ कर्नाटका या फिर दी कर्नाटका बैंक। इसको दोस्तों उसमें जो है वो ऐड किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने और अगला सवाल। द 35th ट्राई सर्विसेज कमीशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, जो 35वीं आपकी ट्राई सर्विसेज कमीशन है वो आपका इनमें से कहाँ पर हुआ, मैसूर, मुंबई, जैसलमेर या फिर जयपुर। इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है आपका ऑप्शन सी, जो कि है जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों आपका यहाँ पर हुआ। अब एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है, इनमें से वो कौन सा शहर है जिसका नाम महिषासुर के नाम से लिया गया है। ये सवाल आपका 2 साल पहले UPSC में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नेम्ड आफ्टर द डीमन महिषासुर। दिमाग लगाएगा ध्यान से, महिषासुर के नाम पे इनमें से किस शहर का नाम दोस्तों जो है वो लिया गया है। 241 लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसको बस डबल करना है आपको, और ये आप डबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ तो सवाल सुनिएगा ध्यान, सवाल यही है मेरा आपसे कि किसने कहाँ पर क्या नाम है उसका। तो उसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका मैसूर। अगर आपने दोस्तों कॉमन सेंस लगाया होता तो भी आप आंसर इसका कर दिए होते। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो कि है आपका मैसूर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क कंपनी ने गूगल के साथ एक हाथ मिलाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कंपनीज हैज जॉइंड हैंड्स विद गूगल असिस्टेंट, एयरटेल, जियो, वोडाफोन या ANB। तो इनका नाम दोस्तों जो है वो है आपका वोडाफोन आइडिया। इन्होंने अग्रीमेंट किया है विद गूगल असिस्टेंट, उसके साथ ये अग्रीमेंट दोस्तों जो है वो किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश में 55वां ITEC दिवस दोस्तों मनाया गया, जिसके भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास हैं, जिसमें ये हैं। इस देश की राजधानी का नाम बताइए, कहाँ पर ये दिवस आपको मनाया गया, और उस देश में जहाँ पर हमारे जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है, जो हमारी हाई कमीशन का नाम है रीवा गांगुली दास, वो गई थी। सवाल है कहाँ पर, किस देश का हम बात कर रहे हैं।
उस देश का दोस्तों नाम है आपका बांग्लादेश, वहीं पर आपका 55th ITEC डे जो है उसको मनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने 26वां भारतीय वायुसेना प्रमुख इनमें से दोस्तों कौन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 26th इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो इनका नाम दोस्तों जो आपके सामने है, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी जो कि है RKS भदूरिया। ये हमारे नए वायुसेना के दोस्तों प्रमुख हैं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स डे भी दोस्तों आपको मनाया गया है। सवाल मेरा आपसे है कि कौन सी तारीख को जो इंडियन एयरफोर्स डे है दोस्तों उसको मनाया गया, इसका जवाब आपको देना है। इसका आंसर आपके सामने दोस्तों है, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज़ 8th of October। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन की जगह एक नए राष्ट्र सलाहकार को नाम दिया है, को नामांकित किया है, उनका इनमें से नाम क्या है। द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नेम्ड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू रिप्लेस जॉन बोल्टन। आपको बताना है उनका दोस्तों यहाँ पर नाम क्या है। तो उनका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन ए जो कि है रॉबर्ट ओब्रायन। इनको दोस्तों उस पर नियुक्ति जो है उसकी वो की गई है। नाम यहाँ क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन ए जो कि है रॉबर्ट ओब्रायन। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये आपके सामने, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। द नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इस प्लेस का दोस्तों नाम है आपका ऑप्शन डी जो कि है ग्रेटर नोएडा, NCR का जो ग्रेटर नोएडा रीजन है वहाँ पर उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आसान सवाल है, इसका सवाल जो आप लोग दे पाओगे, तेलंगाना का जो ने किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। विच ईयर विल बी सेलिब्रेटेड बाय तेलंगाना एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस ईयर का दोस्तों नाम जो है वो नाम है ऑप्शन ए जो कि है आपका 2020। इस साल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के तौर पे दोस्तों जो है वो आपका मनाया जाएगा। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये आपके सामने हमारा अगला सवाल, किस कंपनी के साथ मिलकर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में RTI शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी जो कि है आपका IBM के साथ मिलकर इस अग्रीमेंट पर सरकार जो है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर पहुँची, वो इसका यहाँ पर दोस्तों जो है आपका सही जवाब है। सवाल क्या, सवाल ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने किसके साथ मिलकर करीब IT टीचर्स को ट्रेन करने की बात कही है AI में। तो उसका आंसर है आपका IBM। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 1 करोड़ लाभार्थियों का आकार पार कर चुकी है। इस योजना की शुरुआत इनमें से किस साल की गई थी। ये बहुत ही आपकी दो सफल योजना है और सवाल यही मेरा आपसे है कि किस साल शुरू किया गया था इस योजना को, 14, 15, 16 या फिर दोस्तों आपका 13। और इसका यहाँ आंसर आपके सामने दोस्तों जो है, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी जो कि है आपका 2016 में इस योजना को दोस्तों आपका जो है वो शुरू किया गया था। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है और मात्र 3 साल के अंदर आपके 1 करोड़ से ऊपर लाभार्थी यहाँ पर हो गए हैं। इस योजना का मेन मकसद है जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो आपकी प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। अभी हाल ही में इससे संबंधित एक और योजना थी, उस योजना का नाम है दोस्तों आपका सुमन। इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया था। आपको बताना है सुमन योजना का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये अभी हाल ही में इस योजना को दोस्तों जो है आपका लॉन्च किया। जल्दी बताइएगा फटाफट इस योजना का नाम फुल फॉर्म यहाँ पर दोस्तों जो है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले प्रश्न पर जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। यह है सवाल, निम्न में से किस फिल्म ने हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी स्टार्स हैज रिसेंटली वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स। और इसका इनका नाम दोस्तों यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन बी जो कि है आपका आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिला है राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का दोस्तों यहाँ पर अवार्ड। 250 लोग दोस्तों हो गए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं दबा के वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। 500 का टारगेट हमें दोस्तों आज पहुँचना ही पहुँचना है, तो दबा के वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों ताकि वीडियो को और बेहतर हम यहाँ पर कर पाएँ। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, रवि दहिया जो हैं दोस्तों वो समाचार में हैं क्योंकि वह 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि उनका संबंध इनमें से किस खेल से है। अभी दोस्तों हाल ही में एक जगह है नूर सुल्तान, वहाँ पर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी एक स्पोर्ट की, उसी स्पोर्ट से इनका संबंध है, जहाँ पर इनके जो कलीग्स हैं उनके नाम है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट,
ये सब आप राहुल अवारे सब इनके दोस्तों संबंधित ही हैं। तो यहाँ उसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका रेस्लिंग, इनका संबंध दोस्तों जो है वो आपका रेस्लिंग से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल ये है, रिलेंटर्स पूर्व वित्त मंत्री की आत्मकथा है, वह इनमें से कौन है? रिलेंटलेस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज ही? उनका नाम दोस्तों इनमें से क्या है? जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह या फिर आपका पी चिदम्बरम? ये बहुत ही बड़ी किताब है और आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका यहाँ पर जो नाम है वो है आपका पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी के मेंबर भी हैं और वाजपेयी सरकार में इन्होंने वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर कार्यकाल को संभाला था। 300 पहुंचने वाले हैं दोस्तों, बस 200 और बचे हैं, दबा के वीडियो को शेयर करते रहो, आज हमें 400 तो 500 तो पहुँचना ही पहुँचना है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, तत्पर एक ऐप है, इस ऐप को निम्न में से किसने जारी किया? मैं रिपीट फिर से कर दूं, ये एक दिल्ली पुलिस की ऐप है और इसको हाल ही में इनमें से किसने दोस्तों जारी किया है? अमूल्य पटनायक ने, अमित शाह जी ने, अनिल बैजल ने या फिर आपके अरविंद केजरीवाल ने? किसने इस ऐप को इनॉग्रेट दोस्तों आपका किया? ऐसे सवाल कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार सवाल उनके फीचर्स में ना पूछकर हम ये पूछते हैं कि किसने उसको इनॉग्रेट किया है। तो इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों जो है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑप्शन सी, जो कि है आपका अनिल बैजल, इन्होंने दोस्तों इसको लॉन्च किया। ये क्या है? ये वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। मज़ा आ रहा है सेशन में, सेशन में अभी एक घंटा हुआ है, अभी हम एक घंटे और पढ़ाएंगे आपको। तो अगर अभी आप नए जुड़े हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इसको लगातार अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहना, ताकि हम इस फ्री शो को आपको फ्री ही कराते रहें। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने, वित्त मंत्री ने हाल ही में दोस्तों घोषणा की है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको वो 400 जिलों में इनमें से किसका आयोजन करेंगे? द फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल ऑर्गेनाइज व्हाट इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स? क्या दोस्तों वो करने वाले हैं? तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका लोन मेला। तो करीब 400 जिलों में दोस्तों आपका लोन मेला जो है वो होने वाला है। इस वजह से आपका ये न्यूज़ में है कि इस तरह से जो एक इंफॉर्मेशन है, जो एक 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 जान एक सहूलियत है, उसको यहाँ पर कराया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएँ, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, ईपीएफओ ने 6 करोड़ खातों में वर्ष 2018-19 के लिए कितना ब्याज दर दिया है? सबसे पहले दोस्तों ईपीएफओ का मतलब क्या है? ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो यहाँ पर पैसा वो उनसे पैसा काटती है और उनके रिटायरमेंट पर उनको पैसा देती है, या फिर 15 ईयर्स के बाद उस पैसे को आप पूरी तरीके से निकाल सकते हो और उससे पहले आप 3 साल के बाद पार्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट दोस्तों उनको ऑफर करने की बात यहाँ पर कही गई है? तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, जो कि है आपका 8.65%। इतना इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों उसको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रखा अगला सवाल, हाल ही में किस क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है? विच रीजन हैज़ बीन रीनेम्ड एज द कल्याण कर्नाटक रिसेंटली? आपको बताना है उनका नाम। तो उसका नाम दोस्तों यहाँ पर जो है, द नेम हियर इज़, इट इज़ ऑप्शन ए, हैदराबाद कर्नाटका रीजन। इस ये नाम आपका यहाँ हाल ही में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश 16% की हिस्सेदारी के साथ भारतीय म्यूचुअल फंड में अनिवासी निवेश के लिए शीर्ष पर रहा है? मतलब इनमें से दोस्तों वो कौन सा देश है जिसमें इंडिया में मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है इन दी म्यूचुअल फंड मार्केट? उस देश का दोस्तों आपको जो नया नाम वो यहाँ बताना है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कई सारे और देश का नाम दोस्तों जो है, द आंसर इज, इट इज़ यूएई। उसने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है भारत के म्यूचुअल फंड के मार्केट में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, जो कि स्क्रीन पर है,
फरारी चालक सेबास्टियन वेटल ने 22 सितंबर 2019 को निम्न में से कौन सा ग्रैंड प्री जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड प्री हैज़ बीन वन बाय सेबास्टियन वेटल? एंड आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ आंसर आपके सामने दोस्तों जो है द आंसर हियर इज इट इज़ ऑप्शन सी जो कि है आपका दी सिंगापुर ग्रैंड प्री। इसमें दोस्तों उन्होंने जीते हैं, इसमें उन्होंने जीत यहाँ पर हासिल की है एंड ये अभी चल रहे हैं सेकेंड पर, फर्स्ट पर चल रहे हैं जो इस इवेंट में उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। लंदन में वार्षिक 21वीं शताब्दी आइकन पुरस्कार में इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड एट द एनुअल 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स इन लंदन? उनका नाम आपको दोस्तों यहाँ पर जो है वो बताना है। तो उनका नाम दोस्तों जो है वो है सोनू निगम, इनको मिला है दी 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स इन लंदन इटसेल्फ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनमें से कौन नियुक्त किए गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? इनका नाम दोस्तों यहाँ पर जो है वो है आपका ऑप्शन डी सी जो कि है आपका गोविंदा को इस पोजिशन पर दोस्तों जो है वो नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने किस श्रेणी में भारतीय पहलवान राहुल अवारे ने नूर सुल्तान में जीता है एक कांस्य पदक? 57, 65, 74 या फिर 61, कौन सी कैटेगरी जिसमें जीता है राहुल अवारे ने दोस्तों एक पदक? यहाँ पर हमें करीब मिले हैं 5 पदक, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो दीपक पुनिया हो, चाहे वो राहुल अवारे हो, करीब 5 पदक दोस्तों हमको यहाँ पर मिले हैं। तो इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है इट इज़ ऑप्शन डी जो कि है इन द 61 किलोग्राम इस कैटेगरी में दोस्तों ये सम्मान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आपके आ गया है। गली बॉय को ऑस्कर 2020 के लिए आधिकारिक तौर पर इंडिया का एक एंट्री दिया गया है। सवाल मेरा आपसे है इसके निर्देशक इनमें से कौन है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी? तो इसका नाम दोस्तों आपके सामने जो है वो है ऑप्शन सी जो कि है आपका जोया अख्तर। इनको दोस्तों ये सम्मान जो है वो यहाँ पर आपका मिला है, वो इसकी डायरेक्टर हैं और ये मूवी गई है आपकी ऑस्कर्स के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर आपके है। शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश करके इतिहास रचा है। यह नृत्य इनमें से किस राज्य का एक शाही नृत्य है या किस एरिया का एक रॉयल डांस है? कौन सा वो दोस्तों एरिया है? नाम है इसका शोंडोल। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी जो कि लद्दाख। लद्दाख जो एक रीजन है जम्मू कश्मीर का, जो अब अलग एक यूनियन टेरिटरी बनेगा 31 अक्टूबर को, यहाँ जो रीजन है इसका नृत्य है आपका शोंडोल। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा प्रश्न। निम्न में से किस स्वास्थ्य बीमा के साथ इंडियन बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इनमें से वो कौन सा आपका दोस्तों एक जगह है जहां पर एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको यहां पर शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है आपका मैक्स बूपा। मैक्स बूपा ने अग्रीमेंट किया है इंडियन बैंक के साथ, उसके तहत वो इंश्योरेंस जो है उसको प्रोवाइड करेगा टू द कस्टमर्स ऑफ द इंडियन बैंक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आपके सामने और अगला सवाल। माधव आपटे का 86 वर्ष की उम्र धन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर दोस्तों आपके एक जर्नलिस्ट, ये इनमें से दोस्तों आपके क्या थे? एंड इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी जो कि हैं आपके एक स्पोर्ट्स, ये एक दोस्तों आपके मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन थे। दोस्तों यहीं पर रोकेंगे, बाकी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे आपको, ताकि आपको PDF भी यहाँ पर मिल सके। बाकी दोस्तों अब आपका काम है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अब आपसे मिलेंगे ऐसे वीडियो में अगले महीने जब हम अक्टूबर के MCQ को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक है दोस्तों आपका शुक्रिया, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हम नए शो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।